हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी ट्राई ट्यूटोरियल क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर में अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि जब हम सेल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन कर लिए थे, तो हमने ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस भी पढ़ाया था। तो अब हम लोग उसी के आगे चल करते हैं। तो चलने पर हम लोगों को जो टॉपिक मिलता है वो है सेल वॉल। तो देखिए, मैंने एक सेल बनाया हुआ है और उस सेल वॉल के ऊपर एक मैंने मोटी सी लेयरिंग बनाई हुई है। ये जो मोटी सी लेयरिंग, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, आज हम लोग इसी सेल्स के सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि ये काम क्या करता है और ये किस प्रकार से और किन मटेरियल से मिलकर बना होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये बात याद रखिए, मैंने एक वर्ड यूज किया आउटर कवरिंग। क्यों यूज किया है? क्योंकि अगर वो सेल है तो सेल जरूर है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होगा, यानी सेल के ऊपर ऑलरेडी एक कवरिंग है। लेकिन ये जो जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ये देखिए यहां पर मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया हुआ या सेल मेम्ब्रेन बनाया हुआ है, उसके ऊपर से ये अलग कवरिंग बना, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की एक कवरिंग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और लिखा हुआ है क्या कि दे आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि ये बात आप हेडलाइन करके लिख सकते हैं कि ये मिलता है कहां पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर मिलता है। और क्या है? दे आर नॉन लिविंग। ये इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि क्या है ये? नॉन लिविंग। याद रखिएगा बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, ये सेलेक्टिव परमिएबल है, जबकि आपका सेल वॉल ये नॉन लिविंग है, रिजिड है और प्रोवाइड शेप। अब आप कहेंगे सर, ये नॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम किस प्रकार से कंसीडर करें? जैसे बच्चों, मैंने कहा कि अगर ये लकड़ी का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया जाए, ठीक, तो लकड़ी का जो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स, तो जो लकड़ी है बच्चों, वो क्या है? सेलुलोज है। तो सपोज दैट वैसी एक कवरिंग है और उसमें अंदर आपने क्या करिए, एक बड़ा बलून लीजिए, बलून के अंदर पूरा फुल पानी भर दीजिए और पानी भर करके जब आप उसको उस लकड़ी के बॉक्स में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो बलून की जो मेम्ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली किसका शेप ले लेगा? बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि अगर पानी है तो वो जैसे तो वो अपना कर लगभग लगभग गोल बना लेता है, लेकिन अगर अगल बगल की दीवारों से उसको लगातार प्रेशर पड़ते हैं तो वो मजबूरन किस शेप में आ जाता है? रेक्टेंगुलर शेप में आ जाता है। तो वही से वही काम करता है कि जब हमारे सेल वॉल हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवारों पर लगातार साइड वाइज प्रेशर डालते हैं तो उस प्रेशर की वजह से हमारा सेल कैसा दिखता है? रेक्टेंगुलर शेप दिखता है। और इसी वजह से यह बात लिखा कि इट प्रोवाइड शेप। अगली बात है कि इट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब आप कहेंगे सर, सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज बच्चों, इसी को लकड़ी कहते हैं। जिस डेस्क पर आप बैठते हैं, जिस लकड़ी के फर्नीचर पर आप खाना खाते हैं या लकड़ी के फर्नीचर पर सोते हैं, वो सब कुछ क्या है? सेल्यूलोज है। और फिर क्या कहे? दे आर परमिएबल अलाइंग द सबस्टेंस इन और आउट फ्रॉम द सेल्स। अब देखिए, आपने देखा होगा लकड़ी, आपने देखा होगा बच्चों, अगर लकड़ी को काफी देर तक पानी में रख दिया जाए तो फूल जाता है। सिंपल सी बात है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा सेल वॉल लगा हुआ है और ये अगर पानी के कॉन्टेक्ट में, तो पानी को क्या कर देगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर मान लीजिए सेल वॉल, ये सेल को कुछ चीज निकालना होता सेल के बाहर से, तो वो पहले उसको सेल वॉल में देता, फिर सेल वॉल उसको कहां निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। सिंपल सी बात। फिर क्या लिखा है? द टू सेल वॉल आर एडजॉइनिंग बाई मिडिल लैमिला। अब ये मिडिल लैमिला क्या होता है? जैसे मान लीजिए, मैंने देखिए एक सेल बनाया, ये एक सेल बनाया, तो ये सेल इस सेल के दीवारों पर कैल्शियम पेक्टेट, याद रखिएगा बच्चों, कैल्शियम पेक्टेट की लेयरिंग पाई जाती है जो मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन करती है। और वो कैल्शियम पेक्टेट जा करके दो सेल को आपस में ठीक उसी तरह से जोड़ देती है, जैसे आपने घर में देखा होगा, घर में जब घर का निर्माण होता है तो दो ईंटों को बीच में सीमेंट जोड़ देता है, उसी तरह से मिडिल लैमिला भी दो सेल को क्या कर जोड़ देती है। यानी आप कह सकते हैं अपने वर्ड में कि सर, मिडिल लैमिला इज वर्क एज ए सीमेंट विथ एडजॉइनिंग द टू एडजेसेंट सेल। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अगला टॉपिक है साइटोप्लाज्म। अब क्वेश्चन होता है साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों, हमें साइटोप्लाज्म की लोकेशन समझनी होगी। ये देखिए, मैंने एक डायग्रामेटिक एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
आपको सिंपल दो चीज ज्यादा क्लियर दिख रहे होंगे, एक इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, और फिर उसके सबसे बाहरी लेयर पे क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म की जो पोजीशन होती है, आप देखते हैं न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो एक, अगर इनको हटा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए तो जो एक गाढ़ा डेंस लिक्विड दिखाई देता है, उसी लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म क्या क्या और प्रॉपर्टी होती है। देखिए मैंने लिखा हुआ है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कवर्ड ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड ए डेंस विस्कस कोलाइडल लिक्विड प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड सम इनऑर्गेनिक साल्ट। मतलब अगर आप अपने घर पर अगर साइटोप्लाज्म देखना चाहते हैं तो एक्चुअल तो लिविंग साइटोप्लाज्म लेकिन नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप उसके जैसा कुछ बना सकते हैं। जब एक कटोरा लीजिए, उस कटोरे में थोड़ा पानी लीजिए और पानी डाल करके उसमें थोड़ा सा प्रोटीन डिजॉल्व कर लीजिए। प्रोटीन डिजॉल्व करने के लिए एक एक एग लीजिए और एग का उसका जो वाइट वाला पोर्शन जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं वो उसके अंदर डाल, वो एग प्रोटीन होता है, घोल लीजिए उसमें। अब ये बन गया आपका पानी में डिजॉल्व प्रोटीन। फिर उसमें थोड़ा सा शुगर डाल दीजिए, कार्बोहाइड्रेट घुल गया, थोड़ा सा उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए, तेल भी हो गया, लिपिड भी हो गया। अब थोड़ा सा विटामिन बी, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गोली ला करके डाल दीजिए, विटामिन हो गया, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। अब ये जो लिक्विड सोल्यूशन, जो गाढ़ा लिप्सलिसा और एक डेंस एक लिक्विड मटेरियल दिखेगा, दैट इज मोस्ट सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म। अब क्वेश्चन होता है साइटोप्लाज्म में अगर ये होता तो उसके अंदर काम क्या करता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। तो रेस्पिरेशन कहाँ से करेगा, वो साइटोप्लाज्म से ही करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, कहाँ करेगा, साइटोप्लाज्म। मतलब सारी लिविंग एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम्स कहाँ कहाँ काम करता है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ से ट्रांसफर होता है, तो ये सारी चीज़ें। तो इसी नाते लिखा है फंक्शन में ऑल मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे कहाँ परफॉर्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ऑल लिविंग एक्टिविटी आर आल्सो परफॉर्म इन द इनटू देम। लिविंग एक्टिविटी मतलब आपने देखा होगा रेस्पिरेशन, अगर आप इसको टच करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, छोड़ देंगे, फैल जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, एक्चुअल में कौन कर रहा है, इसका साइटोप्लाज्म। इसी नाते साइटोप्लाज्म के इसी गुण की वजह से एक साइंटिस्ट, उनका नाम था हक्सले, उन्होंने कहा था साइटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब उन्होंने ये कहा था कि साइटोप्लाज्म अगर नहीं होता तो आज हम और आप जो खड़े हैं वो कभी बन नहीं सकते थे। इसी नाते इसको फिजिकल बेसिस माने भौतिक आधार उन्होंने कहा था। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अपने सेल ऑर्गेनेल्स के पहले ऑर्गेनेल्स की तरफ, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा किसने, तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी पोर्टर ने की थी। अब क्वेश्चन ये होता है कि पोर्टर ने कैसे खोजा, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर झांकने का प्रोसेस तब स्टार्ट हुआ जब हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। तो उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सबसे पहले पोर्टर ने ऐसे बहुत सारे पैरेलल्स ट्यूब्स देखे थे, और वो पैरेलल्स ट्यूब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे, और इस इंटरकनेक्शन की वजह से पोर्टर ने इनका नाम रखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सेल्स के अंदर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी तो ये बहुत सारा काम करते थे सेल के अंदर। जैसे क्या क्या काम करते थे, सबसे पहला इट फॉर्म ए साइटोस्केलेटन। क्या काम करते थे, साइटोस्केलेटन। मतलब जैसे आपकी बॉडी में आपका कंकाल आपके इस मसल्स के पूरे ढांचे को खड़ा रखने का काम करता है, उसी प्रकार से ये सेल के अंदर इनकी संरचना बना करके सेल को एक निश्चित आकार देता है। उसके बाद है इट प्रोवाइड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टिंग। अब आप क्वेश्चन होगा कि आखिर ये काम क्या करता होगा, तो जाहिर सी बात है जैसे इसके अंदर कुछ भी बना, इसके अंदर कुछ भी बना तो वो उसको इस ट्यूब के माध्यम से दूसरे ट्यूब में भेज देता, फिर ये भर जाता था तो फिर ये यहां चला जाता था। इस प्रकार से ये जब तक बाहर न चला जाए या बाहर की कोई चीज अंदर न आ जाए तो ये उन चीजों को ट्रांसपोर्ट्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, विशेषकर कैल्शियम को। नेक्स्ट है इट कीप द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स इन देयर प्लेस। जैसा कि मैंने बताया जब इनकी संरचना बहुत ज्यादा होगी तो इनके बीच बीच में कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया पे दूसरे ऑर्गेनेल्स फंस जाते थे, और जब फंस जाते तो वो हमेशा उस पोजिशन पे फिक्स हो जाते थे। इस नाते
ये सेल ऑर्गेनेल्स को उनकी पोजीशन में बनाए रखने का काम करता है, और दूसरा इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। आपने देखा होगा कभी कभी इंसान लोग जहर खा लेते हैं या लो इंटेंसिटी की जहर खा लेते हैं, या फिर कभी कभी कोई दवा बॉडी में रिएक्शन कर जाता है, तो उन सारे रिएक्शंस को बॉडी में बचाने का काम कौन करता है? यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इन सबके अलावा दो काम और हैं। एक्चुअल में ये काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे कि स्ट्रक्चर के आधार पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांट दिया गया, एक का नाम था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे का नाम था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे वो बिल्कुल पैरेलल ट्यूब थे, उनमें किसी प्रकार का कोई दानेदार स्ट्रक्चर नहीं था, बिल्कुल स्मूथ प्लेन थे। इस वजह से ये और जितने भी प्लेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, हमेशा याद रखिएगा, वो काम क्या करेंगे? सिक्रीशन का काम करेंगे और स्टोरेज का काम करेंगे। किसका? लिपिड का, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको इन्हीं सब का ये सिक्रीशन का काम करते हैं। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो रफ एक्चुअल में वो होता स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन उनके ऊपर बैठ जाते हैं क्या? राइबोसोम। और आप सभी जानते हैं राइबोसोम काम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। इस नाते ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते थे। तो स्टूडेंट्स, अगला जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम हमारे बॉडी का सबसे प्रिमिटिव सेल ऑर्गेनेल्स है, और इस ऑर्गेनेल्स की जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो पैलेडे ने किया था। अब जब पैलेडे जो इन्होंने डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने राइबोसोम्स के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे क्या? उन्होंने सबसे पहले बताया कि राइबोसोम किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। मतलब इसमें आरएनए होते हैं और प्लस प्रोटीन होता है, इन्हीं के मिलने से राइबोसोम बनता है। दूसरा कि आपका जो राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी एक राइबोसोम वो दो स्ट्रक्चर से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें से एक स्मॉलर यूनिट होता है और एक लार्जर यूनिट होता है। इसको स्मॉलर यूनिट कहते हैं, इसको लार्जर यूनिट कहते हैं। अब जो राइबोसोम होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, इनको दो भागों में बांटा गया है। जैसे राइबोसोम एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है और एक यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मतलब एक ऐसा राइबोसोम जो केवल बैक्टीरियल सेल में मिलता है, मॉडर्न सेल में नहीं मिलता, और यूकैरियोटिक राइबोसोम मतलब वो राइबोसोम जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मिलता है लेकिन बैक्टीरियल सेल में नहीं मिलता, उनको हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। तो बाल साइंस, क्योंकि दोनों का काम एक ही था, दोनों एक ही जैसे दिखते थे, तो उनके उनके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंशिएट किया गया। तो देखा गया क्या कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम थे वो 80S, ये राइबोसोम को मेजर करने की सेडिमेंटेशन यूनिट है। तो ये एस मतलब सेडिमेंटेशन यूनिट, मतलब राइबोसोम जो होता है वो 80S का है, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वो 70S का है। और ये 70S क्या होते हैं कि वो छोटा सब यूनिट 30S और बड़ा सब यूनिट 50S, जोड़ने पर ये 80S के आसपास आएंगे, लेकिन नहीं, ये 70S अप्रॉक्स होते हैं। और ये जो 80S है इनको टोटल सम करेंगे तो ये 100S आएंगे, 40 और 60 के हैं, और काम इनका एक ही है, क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अगला सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? जैसे जिस प्रकार से आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए शहर से आपने देखा होगा बिजली कॉलोनियों से आपको बिजली मिलती है, या फिर आप लोगों ने देखा कुछ लोगों पास अपने पर्सनल व्यवस्था जनरेटर्स होता होगा, या आप ही लोगों के घर में इन्वर्टर होगा, तो ये सब आपके घर के क्या पर्सनल पावर हाउस हैं जो इमरजेंसी की कंडीशन में आपको बिजली सप्लाई देते हैं। उसी प्रकार से सेल के पास अपना खुद का इन्वर्टर है, और उस इन्वर्टर का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी कोलिकर ने की थी, और इसका नाम किसने रखा था? सी वेंडा ने रखा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप देखेंगे तो ये एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने देखा दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, तो इसका आउटर स्फीयर आपने देखा केवल कवरिंग का काम करता है, लेकिन जो इनर लेयर होते हैं वो देखिए इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं और अंदर की तरफ धसे होते हैं, और वो धसे किसके अंदर? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और उसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और उस क्रिस्टी के ऊपर अनेक बैडमिंटन शेप स्ट्रक्चर से उभरे हुए होते हैं, और इन बैडमिंटन शेप स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। एक्चुअल में
माइटोकॉन्ड्रिया अपने बॉडी के अंदर जो बिजली पैदा करता है, दरअसल में वो बिजली इन्हीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ही चलता है, इन्हीं F1 पार्टिकल पर ऐसे से पूरे सब बॉडी पर ऐसे मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट में क्या प्रोड्यूस होता है, ATP। अब ये काम कैसे करता है? काम ये ऐसे करता है कि ये आपकी बॉडी में होता है तो ये ऑक्सीजन रिसीव करता है, और आपके बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर लेता है इसके अंदर, और ले आता है पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और पाइरुविक एसिड और ऑक्सीजन इसको तोड़ते हैं तो ये 38 ATP एनर्जी बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो वो रिलीज हो जाती है, पानी हमारा इसी में रह जाता है, और ये जो एनर्जी जनरेट होती है ये हमारे बॉडी के मसल्स को उस वक्त काम देता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, और ये लगातार पर डे टूटता रहता है, ये हर सेकंड टूटता रहता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से हीट निकलती रहती है, और वो हीट केवल इसी वजह से होती है। इसी नाते माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। आपने सुना होगा कि अगर कोई पोटेशियम साइनाइड खा लेता है तो तुरंत मर क्यों जाता है, उसके पीछे रीज़न भी यही माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड का जो साइनाइड होता है CN, वो जाकर के इसी ETS को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और जब ये ETS को ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रॉन इनकी एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं पाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरिंग रुक जाता है और वो उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ये ठीक उसी तरह से जैसे आपके घर के जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में किसी एक तार को आप अंदर जाकर काट दें तो एक तार ही कटेगा लेकिन बिगड़ेगा पूरा सिस्टम, उसी प्रकार से बिगड़ेगा तो केवल हल्का से एक ही ऑक्सीसोम, लेकिन इलेक्ट्रॉन को चूंकि मोशन रोक देता है इस नाते उस इंसान की क्या हो जाती है, तत्काल में ही मौत हो जाती है। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं गॉल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स की जो डिस्कवरी हुई है वो कैमिलो गॉल्जी नामक एक साइंटिस्ट ने किया था, और दरअसल में वो स्ट्रक्चर होता कैसे, एक्चुअल में कई फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स को आपस में एक दूसरे से पैरेलली जोड़ दिया जाए तो वो फ्लैटेन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें से इन फ्लैटेन स्ट्रक्चर को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, और इनसे अगल बगल जो निकलने वाले बबल्स होते हैं उनको हम लोग वेसाइकल्स कहते हैं। दरअसल में यही वेसाइकल्स आगे चल करके लाइसोसोम के फॉर्मेशन में काम देते हैं, और चूंकि इसके अंदर सिक्रेटरी प्रोडक्ट भरा होता है, कुछ में एंजाइम्स भरे होते हैं, कुछ में लिपोप्रोटीन्स भरे होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी सेल्स के आर्गन में बहुत सारे फंक्शन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से फंक्शन प्रमोट करता है। जैसे सिक्रीशन, जैसे मैंने कहा है अगर किसी सेल के अंदर कैमिलियो गॉल्जी है तो वो सलाइवा सिक्रीशन कर सकता है, एंजाइम सिक्रीशन कर सकता है, यहाँ तक कि यूरिन सिक्रीशन भी प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसके ऊपर एक ये लेयर्स बनाते हैं, उन लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम्स कहते हैं, विटेलोजेनेसिस कहते हैं। विटेलोजेनेसिस क्या होता है, आपने देखा होगा अंडे के अंदर आपने पीले रंग का योग देखा होगा, उस योग को यही बनाते हैं। तीसरा आपने देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जैसे मैंने अभी पहले कहा था छोटे छोटे वेसाइकल्स का, इसके अंदर चूंकि लिपोप्रोटीन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं इस नाते ये डाइजेशन में काम करते हैं। और तीसरा है स्टोरेज पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा बात है कि अगर कोई चीज सेल्स के अंदर छूटा हुआ है, विशेषकर प्रोटीन होती है, तो वो उनको इसके अंदर भर करके उनको डाइजेस्ट करके उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, इस नाते इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज और पैकेजिंग का भी काम करते हैं।